शहर अवध से हैं आप, इसकी अदायगी पर यूं ही इतराइए। आप लखनऊ से हैं जनाब, जरा खुलकर मुस्कुराइए। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। नजाकत, नफासत, अदब व तहजीब को खुद में समेटे हुए शहर अवध। जी हां, आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी शान लखनऊ के बारे में। शान लखनऊ, खूबसूरती में शुमार शहर अवध, अदब व तहजीब का शहर लखनऊ। खूबसूरती का बेहतरीन उदाहरण है रूमी गेट, लोगों का दिल जीतती चटोरी गली। गुल शबनम से गुजू कर लें, आओ लखनऊ से गुफ्तगू कर लें। अदब व तहजीब की पहचान रखने वाला लखनऊ अपने आप में कई धरोहरों को संभाले हुए है। इस शहर का इतिहास ही इस शहर को सबसे खास बनाता है। यहाँ का खान पान, रहन सहन, पहनावा, तौर तरीके, भाषा, सब कुछ नवाबी ठाट बाट का एहसास दिलाते हैं। शहर लखनऊ अपने खूबसूरती के साथ साथ अपने मशहूर ऐतिहासिक जगहों को लेकर लोगों का दिल जीतना नहीं भूलता। और हाँ, लखनऊ में रहने वालों की तो बात ही छोड़िए जनाब, यहाँ दूसरे शहर से आने वाले लोग भी लखनऊ की मोहब्बत में खुद को पड़ने से रोक नहीं पाते। चलिए आज हम आपको नवाबों के शहर लखनऊ की सैर करवाते हैं। धीरे धीरे हम तुम्हें अपनी मोहब्बत दिखाएंगे, मिलना कभी हमसे, हम तुम्हें लखनऊ घुमाएंगे। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं लखनऊ के मशहूर रूमी दरवाजे पर, रूमी गेट, जो खूबसूरती का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसके इतिहास को जानने और इसकी नजाकत को निहारने के बाद लोग सेल्फी लिए बिना रह नहीं पाते। अब आपको सैर कराते हैं अंबेडकर पार्क की। लखनऊ के गोमती नगर में बना अंबेडकर पार्क, जो बेहद ही खूबसूरत है। गुलाबी पत्थरों से बने इस पार्क में आपको सैकड़ों हाथियों की मूर्ति देखने को मिल जाएगी, जो इस पार्क की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। शांति की चाह रखने वालों के लिए अंबेडकर पार्क बेस्ट है। रूबरू कराते हैं आपको 67 मीटर ऊंचाई वाले टावर से, जो भारत का सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला क्लॉक टावर है। इसमें फूल के आकार का एक डायल भी है, जिसमें 12 पंखुड़ियां हैं। इसके अलावा इस क्लॉक टावर के आसपास की जगह काफी शानदार है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं मरीन ड्राइव, लखनऊ के सबसे अच्छे घूमने वाली जगहों में आता है। शाम के समय यहाँ पर काफी लोग सैर करने आते हैं, चांदनी रोशनी लोगों को अपनी ओर खींचती है। आपने मुंबई की मरीन ड्राइव का नाम सुना ही होगा, उसी की तर्ज पर लखनऊ का मरीन ड्राइव काफी लोकप्रिय है। चलते हैं अब एशिया के बड़े पार्कों में शुमार जन्नेश्वर मिश्र पार्क में। जन्नेश्वर मिश्र पार्क की खूबसूरती और खास कर सनसेट का नजारा आपको अच्छा एहसास दिलवाएगा। साथ ही यहाँ खूबसूरत झील में बोटिंग का भी मजा लिया जा सकता है। और हाँ, यहाँ चाइनीज से लेकर इटालियन और फास्ट फूड का भी लुत्फ उठा सकते हैं। अब चलते हैं लखनऊ के 1090 चौराहे पर। यहाँ शाम में सजने वाली फूड लेन को चटोरी गली के नाम से जानते हैं। यहाँ घूमने टहलने वालों का जमावड़ा देखने को मिलता है, साथ ही यहाँ पेट पूजा का भी बेहतरीन इंतजाम है। और हाँ, 1090 चौराहे पर आपको आई लव लखनऊ का एक खूबसूरत सेल्फी पॉइंट देखने को मिलेगा, जिसके साथ आप अपनी अच्छी अच्छी तस्वीरें ले सकते हैं। चलिए चलते हैं लखनऊ के हजरतगंज की गलियों में, जहाँ शाम का नजारा देखते ही बनता है। चाय के शौकीनों के लिए हजरतगंज के शर्मा जी की चाय काफी फेमस है।
सुबह से ही यहाँ चाय के साथ समोसे और बन मक्खन खाने वालों की लाइनें लगी होती हैं। यहाँ एक बार जो चाय पी लेता है वो यहाँ का स्वाद कभी नहीं भूलता। साथ ही आप हजरतगंज में मशहूर रॉयल कैफे की बास्केट चाट का भी लुत्फ उठा सकते हैं। रुक करते हैं लखनऊ के अमीनाबाद का, जिसकी बाजार की भीड़ में भी आपको मजा आएगा। अमीनाबाद की बाजार में सारा दिन चहल पहल देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ के बाजारों में मशहूर प्रताप मार्केट, स्वदेश मार्केट, मोहन मार्केट और खाने पीने की दुकानों में फेमस टुंडे कबाब, प्रकाश कुल्फी, माता बदल पंसारी, कई चीजें मिल जाएंगी। लखनऊ के नूर को देखने के बाद आपको शहर अवध से मोहब्बत होना लाजमी है। वया वो हवा, वो सुकून कहीं नहीं मिलता। मिलते हैं बहुत शहर, मगर लखनऊ सा नहीं मिलता। गंगा की पवित्रता देखनी हो तो हरिद्वार चले आना, आदब और तहजीब की चाहत हो तो लखनऊ चले आना। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।